तो दोस्तों दो बोल की पहली दो एपिसोड्स देखने के बाद ही मैं यहां पर आज आपको एक्सप्लेन करने लगा इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी, जिसको सुनने का आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। काफी सारे लगेंगे यहां पर झटके, क्योंकि भैया स्टोरी इतनी ज्यादा थ्रिलिंग है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको सुन के आपको काफी मजा आएगा। बड़ी मेहनत की है मैंने यहां पर कड़ियों से कड़ियां मिलाने की ओएसटी को सुनने के बाद, पहली दो एपिसोड्स देखने के बाद, और खास तौर पर जो एपिसोड 3-4 का लॉन्च हुआ है टीजर, उसको देखने के बाद मैं यहां पर आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि ड्रामे की स्टोरी आगे से किस तरह की होगी। और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लिटरली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों को सारी स्टोरी सुनाने। तो फिर हमेशा की तरह भैया सीट बेल्ट बांध ले, हेडफोन तान ले, मेरी बात मान ले, चाय भी भैया छान ले, क्योंकि आज की जो वीडियो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो नए आए मेरे चैनल पे तो भैया जल्दी से दबा दे सब्सक्राइब का बटन, क्योंकि यहां पर इस तरह के काफी इंटरेस्टिंग रिव्यूज आते हैं। हाय फिल्म रुमाल इंद्रा, जब बात करेंगे दो बोल ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में, भैया मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि आगे से स्टोरी किस तरह की होगी, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, और सबसे मजे की बात इस ड्रामे का मतलब क्या है, इस ड्रामे के ओएसटी में जो आप लाइन सुन रहे हैं उनसे क्या मतलब है, और ड्रामे का एंड किस तरह का होगा। तो भैया ये सारी चीजें सुनने का आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर जल्दी से कर दें वीडियो को लाइक, ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो एपिसोड्स आपने देख ली, यहां पर बैकग्राउंड क्लियर करने की आपको जरूरत नहीं। हां सिर्फ इतना बता दूं, जो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं यहां पर, भैया गेती कैसे लड़के जो कि पढ़ाई में थोड़ी सी निल, मतलब निल तो नहीं आप कह सकते कि थोड़ी सी है यहां पर कम क्वालिफाइड, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट। और मैंने बहुत ज्यादा रियल लाइफ में भी यह चीज देखी है कि जो लड़कियां कम पढ़ती हैं, जिनका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगता, उनके अंदर लाइफ बहुत ज्यादा ऐड होती है। मतलब आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि समटाइम लड़कियां जो है वो पढ़ पढ़ के अपने आप को इतना ज्यादा बोरिंग बना देती हैं कि यहां पर उनको नहीं पता होता कि कहां पर दिखाना एटीट्यूड, कहां पर आपकी कौन सी अदा किसी लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद आ सकती है। तो कुछ ऐसा ही केस है यहां पर गीति कैरेक्टर के साथ। इसको लाइक करता है सबसे पहले वो लड़का जो कि बचपन से था मुलाजिम उस घर में, जिसका नाम है यहां पर बदर, और जो दूसरे नंबर पर यहां पर उसका लवर, उसका नाम है भैया समीर। और ये लड़का भी काफी कमाल की पर्सनैलिटी रखता है, एजुकेटेड भी है, यहां पर इसकी अदाएं भी है बहुत कमाल की। अब आते हैं जरा अपनी स्टोरी की तरफ और करते हैं दो टोक बात कि भैया होगा कुछ ऐसे कि जो समीर आपको लड़का दिखाया गया, मतलब बड़ा ही कोई लवर टाइप का, बड़ा इमोशनल लड़का, इस लड़के के बड़े भाई की शादी होती है यहां पर फारिया कैरेक्टर के साथ। और शादी वाले माहौल में कुछ ऐसा होता है कि यहां पर बहुत अच्छे से समीर एक्सपोज कर देता है अपना लव, वो भी गीति के लिए। गीति काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कराती है, मतलब पहली दफा, इससे पहले उसने कभी किसी में इतना खास इंटरेस्ट नहीं शो कराया, लेकिन इसमें अपना इंटरेस्ट शो कराती है और काफी अच्छे से इसको लाइक करना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बात यहां पर बदर को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, और उसकी रीजन ये है कि बदर भी गीति से करता है बचपन से मोहब्बत। अब बदर और समीर भी यहां पर काफी अच्छे हैं दोस्त, और मतलब एक दूसरे का रखते हैं ख्याल, लेकिन बदर जो है वो अपने प्यार के मामले में थोड़ा सा हो जाता है सेल्फिश, जब उसको पता चलता है इस बात का कि समीर काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करा रहा है यहां पर गीति में, और गीति भी उसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू हो गई है, तो वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए यहां पर खेलता है चाल। तो होगा कुछ ऐसे कि यहां पर बदर कुछ ऐसा करेगा कि जिसके बाद समीर जो है वो बहुत बुरे तरीके से बात करेगा गीति के साथ, और उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा। अब इसमें दो तीन अजम्पशन है कि यहां पर हो सकता है कि बदर कुछ ऐसी चाल खेले जिससे वो समीर को यह शो कराए कि गीति का जफर के साथ चल रहा है यहां पर अफेयर, या कोई और चीज ऐसी शो करा दे, कुछ ऐसी पिक्चर भी शो करा सकता है, क्योंकि मैंने एक सीन में हो सकता है कि ये गलत पिक्चर समीर की मदर देख रही है, जिसके बाद वो समीर को सख्ती से मना कर दे कि वो सही लड़की नहीं है, ऊपर से है नालायक भी, जिसकी वजह से समीर हो सकता है कि यहां पर गीति से करे बुरे तरीके से बात। और इसके पीछे हाथ जो होगा वो 100% बदर का होगा, खुद से भी समीर का दिमाग खराब करने की कोशिश कर सकता है कि भैया यहां पर तुम जिससे प्यार मोहब्बत की बातें चलाने की कोशिश कर रहे हो, उसके करेक्टर के बारे में हो सकता है कोई ऐसी बात करे, और ये एक ऐसी चीज होती है मतलब जो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करता। तो दो टोक बात के मतलब एक दफा तो इनका हो जाएगा ब्रेकअप, जिसके बाद क्या होगा कि आपने इस एपिसोड में भी देखा, जब जफर की मां अपने बेटे की नीलम के साथ शादी करवाने में हो जाती है नाकाम, तो यहां पर इकबाल वो यहां पर ये कहेगा कि ठीक है, अगर हम नीलम के साथ शादी नहीं करवा सके क्योंकि उसका पहले से रिश्ता तय हो गया, तो हमारे पास यहां पर है गीति, गीति की शादी हो
हो सकती है जफर के साथ, और ये बात जब गीती सुनेगी तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि गीती की जफर के साथ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ये लोग हाथ भी उठा चुके हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है गीती को कि जफर मेरे से शादी सिर्फ बदला लेने के लिए कर रहा है, वो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे साथ बुरा सलूक करेगा, तो वो कभी भी जफर के साथ शादी करने के लिए एग्री नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस घर में गीती की कहां सुनी जाती है, जबरदस्ती उसकी शादी करवाने की कोशिश करेंगे जफर के साथ, जिसके बाद गीती जो है वो बदर की हेल्प से घर से भागने की कोशिश करेगी। मतलब यहां पर बदर को वो ये कहेगी कि एक तरफ से तो वो काफी डिसअपॉइंट होगी समीर की वजह से, दूसरी तरफ आप उसके घर वाले जफर के साथ करवाना चाह रहे हैं शादी जो कि उसको है ना मंजूर, तो इस वजह से वो घर से भागने की कोशिश करेगी, बल्कि भागेगी। अब गीती जब घर से भागने की बात करेगी तो भैया बदर तो पहले ही चाहता है कि वो गीती को लेकर उड़ जाए किसी दूसरे जहान में, तो वो फौरन से एग्री हो जाएगा और गीती को वहां से लेके भागेगा। अब मजे की बात यह है कि यहां पर आपको एक करेक्टर दिखाया गया मुनव्वर, जिसका नाम है जो कि इकबाल का छोटा भाई है, ये होता है पुलिस में। इसको जब पता चलेगा कि यहां पर हमारे अपने ही घर की बच्ची जो है वो भाग गई है घर से, तो पुलिस वालों को बहुत अच्छे से पता होता है कि भागने वालों को कैसे पकड़ा जाता है। मुनव्वर हो सकता है हर जगह पर नाके लगाए, और फाइनली वो जफर की मदद से यहां पर गीती और बदर को पकड़ने में कामयाब हो जाए। घर वालों को बदर के ऊपर काफी होगा शक, क्योंकि भैया बदर ने उसकी की थी हेल्प, तो जब गीती को ये लोग पेश करेंगे इकबाल के सामने जो के है गीती का बाप, वो गीती को फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा एक्सेप्ट कि भैया इसने हमारे घर की इज्जत रोन दी है, इसने हमारी इज्जत का निकाल दिया जनाजा, तो अब ये जिसके साथ भागी है इसकी इसी के साथ शादी करवाई जाए। अब इस सारे केस में ये भी हो सकता है कि पहले बदर को पड़े ठीक ठाक यहां पर फेंटी और उसके बाद शादी का डिसीजन लिया जाए, क्योंकि खानदान में कोई और अब गीती के साथ शादी नहीं करेगा, एक भागने वाला सीन हो गया, वो लोग ये डिसीजन लेंगे कि भैया यहां पर बदर के साथ इसकी शादी करवा दी जाए। तो भैया बदर हो जाएगा एक दफा फिर से खुश कि पहले यहां पर सिचुएशन ऐसी बनी कि गीती उसके भागने की बातें कर रही, और अब उसी के बाप ने कह दिया कि इसकी शादी होगी बदर से, तो भैया बदर और क्या चाहता है, बदर फौरन से शादी के लिए हो जाएगा एग्री। एग्री का मतलब यहां पर इन दोनों की शादी हो जाएगी। अब भैया बात कुछ ऐसे कि यहां पर क्योंकि ये शादी नहीं हुई गीती की अपनी मर्जी की वजह से, तो वो बिल्कुल भी अच्छा सलूक शादी के स्टार्ट में नहीं करेगी बदर के साथ, अपना बहुत ज्यादा उसको एटीट्यूड शो कराएगी, काफी ज्यादा उसको शादी के बाद तंग करेगी। लेकिन बदर की चूंकि पहली और आखिरी मोहब्बत एक गीती थी, तो वो उसके प्यार को हासिल करने के लिए, उसके दिल में अपना घर करने के लिए उसकी काफी खिदमत करेगा, उसे अपने हाथ से खाना खिलाएगा, उसके कहने पे कमरे में एसी लगवाएगा, काफी स्ट्रगल करेगा, उसको शहजादी की तरह रखेगा अपने घर में, मतलब उसको वो इज्जत देगा जो इज्जत उसको अपने घर में भी नहीं मिली। अब इंसान जो होता है ना वो प्यार का भूखा होता है, यहां पर लड़कियां तो कुछ होती है इस मामले में ज्यादा, तो जब उसको इतना ज्यादा प्यार मिलेगा बदर की तरफ से, तो वो भी बदर को काफी सपोर्ट करेगी, मतलब अपनी फैमिली में उसके बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पर वो स्टैंड लेगी अपने हस्बैंड के साथ, मतलब कहीं पर भी अगर बदर को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, उसको घर से धक्के दे के बाहर निकाला जा रहा है या कुछ भी ऐसा किया जा रहा है, तो वो आगे से फौरन से लेगी स्टैंड कि बदर जो है वो ऐसे में है मेरा हस्बैंड। अब स्टोरी में ट्विस्ट तब आएगा जब समीर के आगे पोल खुल जाएगा इस बात पे कि यहां पर बदर ने झूठ बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके आगे जब ये सारी सच्चाई खुल के सामने आएगी तो भैया वो दिन रात रोएगा, यहां पर वो तड़पेगा, और वो जब भी गीती से बात करने की कोशिश करेगा तो गीती उसको आगे से सुनाएगी खरी खरी, क्योंकि गीती को उसने बहुत बुरी तरीके से ठुकराया था और ऐसी बातें कही थी जो बिल्कुल भी कोई लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बदर का जो करेक्टर है वो एक ऐसा करेक्टर है मतलब जिसने अपने प्यार को हासिल करने के लिए यहां पर दोस्त को तो धोखा दिया, लेकिन ये चीज उसको दिल दिल में काफी तंग करेगी, मतलब वो काफी खुद से सोचेगा कि उसने क्या यहां पर कर दिया। बदर के घर वाले बदर से कुछ ज्यादा खुश नहीं होंगे, खासतौर पर बदर की मां, क्योंकि बदर की मां नहीं चाहती थी कि उसकी गीती के साथ हो जाए शादी। यहाँ पर नौरीन नामी कोई लड़की है, मतलब आपने आज के एपिसोड में सुन लिया, वो अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहती थी क्योंकि बचपन से ही रिश्ता तय था। ये वाला जो पॉइंट है ये आपने आज की एपिसोड में सुन लिया, तो ये बात इससे बहुत अच्छे से साबित होती है कि बदर की माँ का बिहेवियर आगे से गीती के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो इन सारी बातों की परवाह किए बिना सिर्फ फोकस करेगा गीती के ऊपर, उसका रखेगा काफी ख्याल, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक दफा फिर से ट्विस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों ये वाला जो ट्विस्ट ना ये ड्रामे के एंड को डिफाइन कर सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है दो तरह की कि ड्रामे का एंड दो तरह से हो सकता है, जिसमें पहली टाइप कुछ ऐसी है कि जो समीर करेक्टर है ये भी आगे से बदला लेने पर आ जाएगा, मतलब जब वो देखेगा कि उसकी सारी कोशिशें हो रही हैं यहां पर नाकाम, तो वो भी कुछ ऐसी चाल खेलेगा जिसकी वजह से गीती को अपने ही घर में कैद कर लिया जाएगा। बदर को धक्के देकर निकालने वाला सीन भी हो सकता है आपको तब भी देखने को मिले जब वो अपनी वाइफ को लेने आया था, लेकिन यहां पर उसको कर लिया कैद, तब ये एक पॉइंट है कि हो सकता है कि ऐसा एंड हो। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग ऐसे क्योंकि मैंने यहां पर जो दूसरी कड़ी मिलाई है इसकी ओएसटी के साथ, जब ओएसटी
स्टार्ट होता है तो आपने गौर किया होगा कि पहली लाइन जो आपको सुनने को मिलती है कि जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, मतलब कहने का ये कि हो सकता है कि बदर को डिसअपॉइंटमेंट अपने अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा हो, यहां पर समीर की तकलीफ ना देखी जाए जिसकी वजह से वो सच बता दे यहां पर गीति को कि उसने वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी। समीर उससे करता था सच्चा प्यार, लेकिन चूंकि बदर करता है यहां पर गीति से ज्यादा मोहब्बत, तो वो अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ कर बैठा, जिसके बाद आपको ये वाला सीन देखने को मिले। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। अब ये जो जिक्र कर रही है ना यहाँ पर गीति, जिक्र कर रही है समीर का कि तुमने प्यार की राह में मुझे छोड़ दिया। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। अब ये जो जिक्र कर रही है यहां पर, ये जिक्र कर रही है बदर का कि जा मैंने तुझे माफ किया क्योंकि तूने मेरा दिल तोड़ दिया। अब ये सच्चाई सामने आ गई कि वो जो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी वो तुम्हारी वजह से हुई थी, और हो सकता है इस पॉइंट पर जब गीति बदर को छोड़ के जाए हमेशा हमेशा के लिए समीर के पास और उसको जाकर यह कहे कि हाँ ठीक है मैं उसको छोड़ आई हूं, लेकिन समीर जब देखेगा कि यहां पर उसने अपने प्यार को हासिल करने के लिए दे दी यहां पर इतनी बड़ी कुर्बानी, मतलब यह भी अपने प्यार को हासिल करना ही होता है कि यहां पर आप उसके साथ झूठ बोल के जिंदगी ना गुजारो, उसको कर दो सारी रियलिटी क्लियर, तो इतनी बड़ी बात जब देखेगा समीर तो हो सकता है कि वो उसको कहे कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है, जिसके बाद गीति जो है वो वापस चली जाए बदर के पास। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, मतलब ये है मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन, अगेन आप लोगों को कर दूं यहां पर क्लियर कि मैंने जो कड़ियों से कड़ियां मिलाई हैं उसके अकॉर्डिंग इस ड्रामे की स्टोरी यही बनती है, और 90% हो सकता है आपको यही सब कुछ देखने को मिले। वाकया क्या होगा, तस्वीर वाला वाकया होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली क्या बनेगी ये तो मैं नहीं बता सकता। इस चीज की भी क्लैरिटी आपको 2-3 मजीद एपिसोड्स देखने पर डेफिनेटली मैं आप लोगों को कर दूंगा क्लियर कि यहां पर क्या सिचुएशन बनेगी अगर वो एग्जैक्टली सिचुएशन फौरन ना आ गई तो। तो आज के बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो दो बोल ड्रामा के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।